चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों करेक्शन विंडो एप्लीकेशन फॉर्म का अहम पार्ट होता है क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय हमारे से कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है हम सब जानते हैं कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट सेवेंथ अगस्त ट्वेंटी है नीट ट्वेंटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के दौरान अगर हमारे से कोई मिस्टेक हो गई है तो हम उसको एट्थ अगस्त से ट्वेल्थ अगस्त ट्वेंटी वन तक करेक्ट कर सकते हैं इस दौरान एप्लीकेशन फॉर्म के सभी फील्ड ओपन होते हैं तो आप सभी पार्टिकुलर्स में करेक्शन कर सकते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने भरे हैं इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी होगी सभी फील्ड करेक्शन के लिए ओपन रहेंगे कोई भी ऐसा फील्ड नहीं रहेगा जिसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते सभी फील्ड में आप करेक्शन कर सकते हैं तो अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय कोई भी मिस्टेक हो गई है तो करेक्ट कर सकते हैं सीबीएसई के समय कुछ सेलेक्टेड फील्ड में ही करेक्शन के लिए मौका मिलता था मगर अब एन ने अभी सभी फ़ील्ड में करेक्शन की फैसिलिटी कर दी है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जनरल की फीस वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ है ई एस और ओ सी की फीस वन थाउजेंड फोर हंड्रेड है एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी और थर्ड जेंडर की फीस एट हंड्रेड रुपीज़ है अगर आपने कैटेगरी में मिस्टेक कर रखी है मान लो आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आपने बाकी कैटेगरी फिल कर दी है जैसे एस सी आपने फिल कर दी है तो आपने अप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय एट हंड्रेड रुपीज़ पे किए हैं अगर करेक्शन विंडो के टाइम में आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं वापस जनरल करना चाहते हैं तो आपको सेवन हंड्रेड रुपीज़ पे करना होगा यानी कि जो आपकी एडिशनल फ़ीस है जो आपने फ़ीस कम पे की है तो वो फीस आपको पे करनी होगी करेक्शन के टाइम पर बाकी आप इसमें कैटेगरी में करेक्शन कर सकते हैं कोई किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी फोटो और सिग्नेचर में अगर प्रॉब्लम है तो आपके पास एन की तरफ से मेल आ सकता है और आप लॉगिन करेंगे तो चेंज का ऑप्शन मिलेगा वहां पर आप चेंज कर सकते हैं अगर फोटो में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मली अगर फ़ोटो और सिग्नेचर में माइनर मिस्टेक होती है तो ये एक्सेप्ट हो जाती है मेजर मिस्टेक जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर का ब्लर होना क्लियर ना होना तो इस प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है तो एन आपसे ये इमेज दोबारा से अपलोड करवा लेगा तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे चेक करेंगे हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई या फिर सही है तो इसके लिए आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट लिया है उसमें आप सारी डिटेल अपने डॉक्यूमेंट से टेली कर लें अपने डॉक्यूमेंट से चेक कर लें कि आपने सही फिल किया है लेकिन कंफर्मेशन पेज में कुछ सेलेक्टेड फील्ड ही होते हैं अगर आप सारे फील्ड चेक करना चाहते हैं तो 8 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में जब एप्लीकेशन का करेक्शन विंडो ओपन होगा तो सारे फील्ड विजिबल होंगे आप उनमें चेक कर सकते हैं कि आपने क्या फील किया है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है तो दोस्तों ये जानकारी थी करेक्शन विंडो के बारे में बाकी करेक्शन विंडो के समय आपको जानकारी दे दी जाएगी अगर आपको कोई करेक्शन करते समय प्रॉब्लम आएगी तो मैं उस समय वीडियो बना के बता दूंगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकॉन प्रेस करें नई जानकारी नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हिंद